your English teacher and today I have come with this video और ये video आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सभी को ये video पूरा देखना है। इस video में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेकर के आया हूँ और ये बातें आपके जीवन में हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं और ये बातें मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से ये हमारे गुड मैनर्स पर आधारित हैं जो हमें करने चाहिए। हमारे जो गुड मैनर्स हैं वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए हमारे घर पर हमारे स्कूल में और हमारे आस पड़ोस में। अगर हम स्कूल में हैं तो हमें स्कूल में करने चाहिए। अभी हमारे स्कूल नहीं खुले हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो आने वाले समय में स्कूल खुलेंगे, लेकिन अभी आप घर पर हैं तो घर में भी आपको बहुत सारे जो मैनर्स हैं बहुत सारे हमारे गुड मैनर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है और ये गुड मैनर्स आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से मैनर्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये जो गुड मैनर्स हैं वही हमें हमारे समाज में रहने के लायक हमारे समाज में जीने के लायक हमें बनाते हैं, हमें एक सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। अगर हम ऐसे मैनर्स को अपने जीवन में हमेशा इनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम समाज में एक बहुत ही अच्छे और सम्मानित व्यक्ति बन पाते हैं और यही सम्मान हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो आइए बच्चों मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे गुड मैनर्स हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। आप इसको पूरे ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। जो भी मैनर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उन्हें अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को खुश और सुख से भरपूर बनाइए। तो देखिए शुरू करता हूँ। सो माई डियर स्टूडेंट्स आई एम बिगनिंग दिस वीडियो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड मैनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फर्स्ट नंबर वी विल टेक गुड मैनर्स एट स्कूल, सेकेंड नंबर गुड मैनर्स एट होम एंड थर्डली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एट प्रेजेंट टाइम कोरोना वायरस से जो नियम हैं कोरोना वायरस से बचने के जो नियम हैं उनको फॉलो करना आज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में भी बताऊंगा कि हम इनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गुड मैनर्स एट स्कूल। सो माई स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन यू सम कर्टसी फ्रेजेस। यू नो वेरी वेल अबाउट दीज कर्टसी फ्रेजेस। स्टूडेंट्स ये कर्टसी फ्रेजेस क्या होते हैं? ये कर्टसी फ्रेजेस होते हैं जैसा हम बोलते हैं थैंक यू सॉरी एक्सक्यूज मी एट्सेट्रा। तो ये हम कब बोलते हैं? जैसे अगर हम बात करें सॉरी के लिए तो जब भी हम कोई मिस्टेक कर देते हैं हमारी तरफ से कोई एरर हो जाती है कुछ गलत हो जाता है तो हम दूसरों को क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे चाहे आपके सामने कोई आपका एल्डर हो या कोई आपसे यंगर हो है ना आपसे छोटा या बड़ा कोई भी हो अगर आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं है या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू से सॉरी। इफ़ यू विल से सॉरी Definitely the person will forgive you। जो इंसान है वो आपको माफ़ करेगा और आपने कुछ भी गलत कर दिया है तो सॉरी कहने के बाद में डेफिनेटली जो मैटर है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स सॉरी कहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ थैंक यू, थैंक यू इज अनदर वर्ड फॉर कर्टसी। थैंक यू बोलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी पर्सन से कुछ कोई भी आइटम अगर हम उससे लेते हैं या कोई हमको कोई पर्सन कुछ हमें देता है हमें गिफ्ट देता है या हम अपने किसी फ्रेंड से कोई बुक लेते हैं तो हमें उस समय उसको क्या बोलना होता है? थैंक यू बोलना होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो थैंक यू बोलना है ये बहुत अच्छा एक वर्ड है जिसको बोलने से सामने वाला जो इंसान होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस करता है बहुत अच्छा सोचता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम आप भी सॉरी आप भी थैंक यू बोलेंगे आप भी सॉरी बोलेंगे।
और मेरे प्यारे बच्चों, एक और सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और दैट इज़ द प्लीज। मीन्स टू से अगर आप किसी से कोई किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपका कोई काम कर दे, आपको जो चीज़ डिज़ायर्ड है वो आपको दे दे जो उसके पास है, तो उसके लिए तो आपको एक शब्द कहना पड़ेगा। वो जानते हैं आप वो क्या है, वो है प्लीज़। अगर आप प्लीज़ कहेंगे तो डेफिनेटली द पर्सन विल गिव यू वॉट एवर यू विल डिज़ायर। सो दैट्स वाई प्लीज़ तो एक ऐसा शब्द है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल शब्द है। और प्लीज ही नहीं बच्चों, ये जो सॉरी, थैंक यू और प्लीज, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिनको हम मैजिकल वर्ड्स कह सकते हैं। दे कैन क्रिएट मिरेकल, है ना। समटाइम्स अगर कोई पर्सन एंग्री है, हमसे नाराज है, तो भी हम उसके साथ जब ऐसे शब्दों का यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो एंगर है हमारे लिए वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है और वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाता है और हमारे साथ हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो डेफिनेटली हमें देने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, पे अटेंशन व्हाइल द टीचर इज टीचिंग। मीन्स व्हेन यू आर इन द क्लास, जब आप अपनी क्लास में हैं और आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में आपको उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, आपको पूरी तरह से अटेंटिव रहना है कि जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें जो भी आपके टीचर आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप अटेंटिव नहीं रहेंगे, आपका ध्यान इधर उधर की बातों में या इधर उधर जाता रहेगा, तो आप अपने टीचर की बताई हुई बातों को बहुत अच्छे से नहीं सुन पाएंगे और ना ही उसको समझ पाएंगे, और इससे आपका जो परीक्षा परिणाम है वो भी प्रभावित होगा। आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो ये आपकी जो स्टडी है उस पर भी इफ़ेक्ट डालेगा और आप एक बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। तो आई थिंक आप सभी इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, सो पे अटेंशन, सो एवरी वर्ड योर टीचर इज स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी टीचर। मीन्स इन योर स्कूल देयर आर सो मैनी टीचर्स, यू आर studying only in one class, either in first, in second, in third, in fourth, and so on. But teachers are so many. So what is the need? नीड इज़ दैट कि आपको हर टीचर को रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो टीचर आपको पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, भले ही वो आपकी क्लास में कभी नहीं आते, लेकिन अगर वो आपको जब भी मिलते हैं, आपको क्लास में घूम कॉरिडोर में जाते हुए या स्कूल प्लेग्राउंड में या किसी भी प्लेस पर वो टीचर अगर आपको मिलते हैं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अच्छे स्टूडेंट का ये ड्यूटी होती है, अच्छे स्टूडेंट की एक कर्तव्य होता है कि हमें अपने टीचर्स को, एक अच्छे स्टूडेंट्स को अपने टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, भले ही वो टीचर आपको नहीं पढ़ाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स कहलाएंगे जब आप अपने टीचर को पूरा रेस्पेक्ट देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए कि आपको सभी टीचर्स को रेस्पेक्ट देना है। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट रूल, इट इज़ नॉट टू मेक फन ऑफ एनीवन। Generally, we have seen that when you are at school, when you are in your classroom, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिनके साथ आप फन करते हैं या फिर जिनका आप मजाक बनाते हैं, जिनकी आप हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा असामान्य सा दिख रहा है तो हम उसको लेकर के उसका फ़न बनाने लगते हैं, उसका मजाक करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही गंदी आदत होती है हमारी, और हमें इस आदत को अपने आप से, अपने अंदर से बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, उस आदत को पूरी तरह से निकाल देते हैं, देन वी विल बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपके साथ भी मजाक ना हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो आप भी कभी किसी दूसरे बच्चे का मजाक नहीं बनाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डू नॉट वेस्ट एनीथिंग एट स्कूल। स्कूल में जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चों आपके ही लिए हैं। स्कूल का फर्नीचर, स्कूल के विंडो या जो थैच बोर्ड होते हैं उन पर आपके टीचर्स और आपके जो
क्लासमेट्स होते हैं वो इतना वर्क करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं, पूरी मेहनत के साथ प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को वेस्ट ना करें, उनको नहीं तोड़ें। तो उन चीज़ों को आपका स्कूल है, आप वो अगर स्कूल आपका डेकोरेटेड रहेगा, फर्नीचर एवरीथिंग विल बी इन अ प्रॉपर वे, देन यू विल बी अप्रिशिएटेड, आपकी तारीफ की जाएगी, है ना। तो अपनी तारीफ करवाना तो सभी को पसंद है ना बच्चों, आपको भी पसंद होगा, तो डेफिनेटली आप अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके स्कूल में आपके स्कूल के एटमॉस्फेयर को ख़राब करें। आप किसी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ेंगे, आप किसी फर्नीचर को डैमेज नहीं करेंगे, आप विंडोज़ को जो ग्लासेस लगे होते हैं उनको डैमेज नहीं करेंगे, या किसी भी चीज़ को, या किसी दूसरे स्टूडेंट का कोई बैग है, उसका लंच बॉक्स है या कुछ भी है, ऐसी चीज़ों को आप डैमेज नहीं करेंगे। Our next topic is good manners at home. So what good manners we should follow at our home, I'm going to tell you here now. Okay students, so my dear student, first point in these good manners is asking before taking anything. Means generally हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ लेनी होती है किसी भी दूसरे पर्सन से या किसी भी अपने फ्रेंड से, अगर हम स्कूल में भी हैं या स्कूल से नहीं, स्कूल में नहीं है, अपने घर के आसपास हैं, हमें किसी से कोई चीज़ लेनी है और हमें वो रखी हुई दिखती है, तो हम क्या करते हैं, जनरली उसको बिना पूछे हम ले लेते हैं। हम घर में भी कई बार बिना अपनी मम्मी या बिना अपने डैडी को पूछे कोई चीज़ ले लेते हैं, और कभी कभी हमें उनसे काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है, हमें डांट भी पड़ती है कभी कभी। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपको एक अच्छी सलाह है कि आप कभी भी कोई चीज़ लें, चाहे अपने घर से लें या आसपास कहीं से भी लें या स्कूल में किसी स्टूडेंट से लें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस चीज़ को लेने की परमिशन लेनी है, क्योंकि परमिशन आप लेंगे तब वो पर्सन डिसाइड करेगा कि वो चीज़ आपको देनी है या नहीं देनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उसके लिए परमिशन लें। सो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट पॉइंट इज शोइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा गुड मैनर है जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बनाता है, हमें सबकी नज़रों में बहुत अच्छा इंसान बनाता है। और वो क्या है कि हम अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति को पूरा रेस्पेक्ट दें, क्योंकि किसी भी बड़े को, चाहे वो हमारे टीचर हों या हमारे घर के एल्डर्स हों, हमारे भाई बहन, बड़े भाई बहन हों, या फिर कोई भी हमारा जो गेस्ट हैं वो हमारे घर पे आते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, बड़े रेस्पेक्ट के साथ। अगर कोई गेस्ट आपके यहाँ आता है तो आपको उनको नमस्ते कहना है, दोनों हैंड्स ज्वाइन करके। कोई भी बड़ा आता है तो आपको क्या करना है, उनके पैर छूने हैं, है ना। हमारी ये हिंदू ट्रेडिशन है कि हम हमेशा अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, जब भी हम स्कूल के लिए निकलते हैं कभी, या किसी भी विशेष वर्क के लिए हम निकलते हैं तो हम बड़ों के पैर छूते हैं, जिससे कि हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त करने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके आशीर्वाद की वजह से हमें डेफिनेटली जो सफलता है अपने उस काम में वो मिलती है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी गुड मैनर, ये बहुत अच्छा मैनर है, आप हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने बड़ों को रेस्पेक्ट दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए और उनके पैर छूइए। कभी भी त्यौहार होता है, कोई विशेष ओकेजन होता है, तो हमेशा, और किसी विशेष अवसर पे ही नहीं, ये तो हमारे डेली का है, हमें एवरीडे अगर हम सुबह उठकर के भगवान का नाम लेते हैं और फिर अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता, तो आप इस काम को ज़रूर कीजिए। Now, my dear students, one more point, not pointing or staring at people. Generally, we have seen कि हम क्या करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो कभी कभी हम किसी person की ओर point out करते हैं, उनकी ओर stare करते हैं, उनको घूरते हैं, और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जनरली स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं, जब हम एक फिंगर से किसी की ओर
पॉइंट आउट करते हैं, किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो थ्री फिंगर्स हमारी तरफ होती हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को पॉइंट आउट ना करें, किसी को स्टेयर ना करें, और सबसे बड़ी बात दूसरों की जो गलतियाँ हैं उनको ना निकालें, है ना। हम जनरली दूसरे हमारे साथ के जो बच्चे हैं या दूसरे जो भी बच्चे हैं, हम क्या सोचते हैं कि उनकी जो गलतियां हैं वो हम निकालें और सबको बताएं, तो दैट इज़ अ बैड मैनर। तो आपको ये सब नहीं करना है बच्चों, ओके। अब देखिए मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, बीइंग काइंड टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो पूरी तरह से सही नहीं होते, वो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी उनके साथ में होती है। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो या तो ठीक से पैदल नहीं चल सकते, उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है जो प्रॉपर चल नहीं सकते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी हमें ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ बच्चे सुन नहीं सकते, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे क्लासेस में होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो कभी ढंग से पढ़ याद नहीं कर पाते। तो हमें जनरली क्या है कि ऐसे बच्चों को जो है उनकी डिसेबिलिटी के लिए हमें उनका एक तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरा हमें उनके प्रति हमेशा काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े, जितना पॉसिबल हो सके उतनी हमें सहायता करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी ऐसे डिसेबल्ड पर्सन की या किसी बच्चे की सहायता करें तो उसके लिए पहले अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से परमिशन ज़रूर लें, उनकी एडवाइस, उनकी सलाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Now students, I'm telling you one more point, having a conversation in the right way means whenever you talk with other children, जब भी आप दूसरे बच्चों के साथ बातें करें या दूसरे किसी भी person के साथ बातें करें, चाहे वो school में हो या आपके घर में हो या आप कहीं किसी दूसरे इस place पर गए हो वहाँ हो, तो आपको जो बातें करनी है वो बहुत ही right way में करनी है। ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे कोई दूसरा person irritate हो या फिर आप वो ऐसा सोचे कि आपको बात करने का ठीक से ढंग नहीं पता। तो आप ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल अच्छे वे में बातें करें, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी वजह से तो आप शांत ही रहें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लें, उनसे सलाह लें कि आपको किस तरीके से बोलना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप सबसे अच्छा बोलेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, तो क्या होगा, दूसरे लोग भी आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, एंड द एटमोसफियर विल बी सो स्मूथ एंड सो हैप्पी that you will also feel happy. So my dear student, I think कि आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे लोगों के साथ हमें कैसे conversation करना है. So my dear student, my next point is never using foul language. Students, you know that foul language is highly disrespectful and unpleasant, and you should never speak such a language. मतलब आपको किसी भी तरह की जो फाउल लैंग्वेज है, स्पेशली समटाइम्स विलेज लैंग्वेज होती है, एब्यूसिव लैंग्वेज होती है, आपको ऐसी लैंग्वेजेस को यूज कभी भी नहीं करना है, ओके। कई बार आप टीवी में या किसी अदर पर्सन से जो आपके आसपास रहते हैं या अपने किसी एल्डर से भी आप इस तरह की लैंग्वेज कभी सुनने को मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उनको कॉपी करें और उनकी तरह से बोलना सीख जाएं, ठीक है स्टूडेंट। हमको क्या करना है, हमें हमेशा अच्छी लैंग्वेज यूज करनी है। फाउल लैंग्वेज, प्लेज लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेजेस का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज हमें समाज में एक अलग, और कह सकते हैं कि एक डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन बनाती है। तो अगर हमको अच्छा बनना है, हमको रेस्पेक्टफुल बनना है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह की जो लैंग्वेज है उसको कभी भी यूज नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, keep it in your mind. Now students, I'm going to tell you one more very important point, and that is while taking your online classes. जनरली स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और क्लास ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही क्लास में से आपकी क्लास ज्वाइन होती है, लेकिन आप क्लास में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको स्टडी करना है, आपके टीचर आपको वैल्यूबल थिंग्स को पढ़ा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस को अच्छे से समझें जो कुछ भी आपके टीचर्स द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, और एवरी डे आप क्लास अटेंड करें,
आपको हम जानते हैं कि स्कूल में जो क्लास होती है वो बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में होती है, स्कूल जैसी क्लास हमको ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल सकती, लेकिन आज की इस कंडीशन को देखते हुए, कोरोना की कंडीशन को देखते हुए स्कूल लगना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन क्लास को हमेशा अटेंड करें। अगर हम उसे अटेंड करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे सब्जेक्ट्स पर हमारी जो कमांड है वो अच्छी हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं इस बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसके लिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर ऐसी चीज़ें ला करके देते हैं और हम कुछ समय तक, जब तक हमारी क्लासेस चलती हैं, हम उनका यूज करते हैं और कई बार हम क्लासेस के बीच में ही क्लास को लीव करके हम दूसरे, जैसे फ़नी वीडियोस हैं या कुछ भी हैं यूट्यूब वगैरह पर, मूवीज़ हैं या सीरियल्स हैं या वीडियोस हैं, इस तरह की चीज़ें देखने लगते हैं, कुछ और फेसबुक व्हाट्सअप पर हम अपने फ्रेंड्स या दूसरे रिलेटिव से कॉन्टेक्ट करके और चैटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है बच्चों, आपको ये मोबाइल फ़ोन, वैसे बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी यूज करना सही नहीं है। स्पेशली आप 12th क्लास तक जब आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज की ये जो कोरोना की बीमारी के चलते जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में टीचर्स को, पेरेंट्स को मजबूर होना पड़ा है कि बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है, मजबूरी में दिया जा रहा है, क्योंकि हमें आपको पढ़ाना है, आपकी स्टडी को वेस्ट नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आप स्टडी में पीछे रह जाएं। तो इसलिए ये मोबाइल कंप्यूटर आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसका मिसयूज ना करें, आप इसको यूटिलाइज़ करें ये जो भी दिया गया है। और एक और बात स्टूडेंट्स, कई बार ये देखने को मिला है कि आप मोबाइल फ़ोन आपको दे दिया जाता है और जब आप, आपकी क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद भी आप मोबाइल में ही लगे रहते हैं, आप मोबाइल पर कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। ऑनलाइन क्लास लेने के बाद में आप अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी है उसको अपने पेरेंट्स को हैंडओवर कर दें। आपके पेरेंट्स को अगर मोबाइल की ज़रूरत होती है तो उनको पोलाइटली वो रिटर्न करें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप क्लास ले रहे हैं और इन बिटवीन आपके पेरेंट्स को मोबाइल की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उनको या तो क्लास लेने से पहले बता दें कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमारी क्लास है, इसके बाद आप ले सकते हैं, तब तक हमारी क्लास हम मिस करना नहीं चाहते। तो जैसे ही आपकी क्लास एंड हो आप उनको दे दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर उन्हें कोई फ़ोन करना है, कोई स्पेशल विशेष मैसेज करना है किसी को, तो उस दौरान आप उसको ज़रूर दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो हमें हमेशा फॉलो करनी है, ध्यान रखिए स्टूडेंट। यू नो वेरी वेल दैट कि आज कोरोना की वजह से हम सबको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना से बचने के लिए आज के समय हमारे बहुत सारे जो नियम हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या करना है, हमें अपने आप को सेफ और हेल्दी बनाना है, कोरोना से बचाना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रीक्वेंटली एंड थ्रूली, ओके स्टूडेंट, और यूज़ हैंड सैनिटाइजर। तो हमें अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है और समय समय पर धोना है। देखिए मैं आपको हाथ धोने के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को पानी से वैट करना है, गीला करना है, उसके बाद में हमको साबुन वॉश लेना है, हैंड वॉश लेना है, और उसके बाद में हमको इसको अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना है, रब करना है, उसके बाद में उसको रिंस करना है और फिर हमें उनको एक क्लीन टॉवल से उनको ड्राई करना है। तो ये प्रोसेस हमको दिन में कई बार करनी है जिससे हमारे हाथ के जो जर्म्स हैं वो दूर हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। स्टूडेंट्स आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने और दूसरे लोगों के बीच में 6 feet की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना है। फिजिकल डिस्टेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है अगर हम 6 feet की डिस्टेंस पर रहते हैं तो शायद ये हम तक पहुंच पाएगा और हम इसे, कोरोना से अपने आप का बचाव कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज यूज मास्क करेक्टली।
whenever you are outside the home, जब भी आप घर से बाहर निकलें, घर में हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क लगाएं, लेकिन घर से बाहर जब भी आप निकलें तो आपको मास्क बड़े अच्छे ढंग से करेक्टली, जैसे कि आपका फेस स्पेशली आपकी नाक और आपका माउथ पूरी तरह से कवर हो जाए, इस तरीके से आपको अपना मास्क प्रॉपर मैनर में, करेक्ट और मैनर में आपको पहनना है। और ये मास्क आपकी रक्षा करेगा, आपको सेफ करेगा कोरोना वायरस से या दूसरे तरह के किसी भी वायरस से जो आपकी हेल्थ को बैडली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू सी एनी सिम्टम प्रॉम्प्ट सेल्फ आइसोलेशन, मीन्स अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है और आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट दिलवाएंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि आपको या आपके पेरेंट्स को या घर में किसी को भी इस तरह की स्थिति मिलती है देखने को, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इन केस कि अगर आपकी कंडीशन वो इम्प्रूव नहीं होती है तो आप अपना कोरोना टेस्ट भी कराएं, और अगर कोरोना पॉजिटिव मिलते भी हैं, वैसे हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसा ना हो जिस जो कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो हम आपको सबसे पहले तो घर में ही सेल्फ आइसोलेट करें, और जो भी हमें डॉक्टर सलाह दें हम डॉक्टर की सलाह का बिल्कुल अच्छे से पालन करें, जिससे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, कोरोना को दूर भगाने के लिए और स्पेशली कि हमें किसी भी पर्सन को कोरोना ना हो, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा हमारे देश में जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो कब का शुरू हो चुका है, तो जो भी एज को इस समय वैक्सीन दी जा रही है, तो स्पेशली जो आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक शायद उस एज में नहीं हैं कि उनको 18 ईयर से ऊपर के नहीं है कि उनको कोरोना वैक्सीन दी जा सके, लेकिन आपसे जो बड़े हैं आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो आपके लिए कोरोना वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वो कोरोना वैक्सीन लगाएंगे तो आप भी सुरक्षित रह पाएंगे और पूरा देश सुरक्षित रह पाएगा। और जब बच्चों वाली कोरोना वैक्सीन आएगी तो वो बच्चों इस बच्चों के भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, तो उसको भी हमें पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाना है। सो स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू वैक्सीनेशन एंड सेव आर नेशन। ओके, व्हेन वी आर सेफ आवर नेशन इज ऑल्सो सेफ, तो हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको सुरक्षित रखना है, और हमें अपने पूरे देश को सुरक्षित रखना है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये जो भी गुड मैनर्स मेरे द्वारा बताए गए आपने वो अच्छे से सुने होंगे, आप उनको अपने जीवन में उनका पालन करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।